देखिए दोस्तों, सामने कितना भव्य पंडाल बन रहा है इस बार रामदयालु गुमटी के पास, देख सकते हैं आप लोग। सेम वही के पड़ी है सर, राधा कृष्ण मंदिर है। राधा कृष्ण मंदिर उड़ीसा का है ना। दोस्तों अब मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर के रामदयालु गुमटी के पास, जहाँ पर रामदयालु बस स्टैंड है और यहाँ पे दुर्गा पूजा का पंडाल काफ़ी तेज़ी से निर्माण हो रहा है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं दुर्गा पूजा का पंडाल क्या बन रहा है और इस किस चीज़ के तौर पे बन रहा है। और आप लोग चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दुर्गा पूजा का पल पल का अपडेट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हैं जो कि रामदयालु में दोस्तों मनोकामना मंदिर है, और देख सकते हैं यहाँ पे मनोकामना देवी मंदिर भीखनपुरा। और यहाँ पे जो पंडाल बन रहा है आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी हद तक तैयारी अंतिम चरण में है। देखिए यहाँ पे दुर्गा पूजा पंडाल, और आगे से आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं किसके तर्ज पे यहाँ पे निर्माण हो रहा है। दोस्तों ये आप लोग जो सामने देख रहे हैं, जो रामदयालु गुमटी का भव्य पंडाल बन रहा है बस स्टैंड के पास, कितना ज़्यादा बांस का प्रयोग किया गया है। तो चलिए आप लोगों को कारीगर से मिलवाते हैं और जानते हैं किस चीज़ के तर्ज पे यहाँ का पंडाल बन रहा है। तो पूरा जानकारी मिलने वाला है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर कर दीजिएगा जो लोग दुर्गा पूजा का इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों सामने कितना भव्य पंडाल बन रहा है इस बार रामदयालु गुमटी के पास, देख सकते हैं आप लोग। भैया आगे का जो बन रहा है सीन, वो क्या चीज़ का बन रहा है, क्या बन रहा है आगे का जो पंडाल का? उड़ीसा के राधा कृष्ण मंदिर। उड़ीसा का देखा है सेम वही है, देखिए पड़ी है सर राधा कृष्ण मंदिर है। राधा कृष्ण मंदिर उड़ीसा का है तर्ज पे, उड़ीसा का राधा कृष्ण मंदिर के तर्ज पे इस बार रामदयालु में जो पंडाल बन रहा है, तो देख सकते हैं आप लोग काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और बस कुछ ही दिन रह गए हैं दुर्गा पूजा शेष होने में। और देखिए यहाँ पे इधर जो काम चल रहा है और आगे होने में, और देखिए यहाँ पे इधर जो काम चल रहा है और आगे दिखाते हैं आप लोग को पंडाल कहाँ तक अभी निर्माण हुआ है। तो ये साइड एंगल से देख सकते हैं जो कि उड़ीसा का राधा कृष्ण मंदिर का स्वरूप यहाँ पर बन रहा है इस बार रामदयालु में। और देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बांस का उपयोग किया गया है, और इधर भी काफ़ी सारे बांस वगैरह रखा हुआ है और उधर भी उधर। तो आप लोगों ने देखा कि उड़ीसा का राधा कृष्ण मंदिर का स्वरूप दिया जाएगा पंडाल में, और यहाँ पे लाइटिंग की काफ़ी अच्छी सुविधा होने वाली है। और अभी तो फिलहाल यहाँ पर बाँस वगैरह ही लगा है, बस कुछ दिनों बाद से यहाँ पर पंडाल भी लगना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग जो साइड एंगल में आप लोग जो नज़ारा देख रहे हैं, इधर जो है लाइटिंग की भी काफ़ी अच्छी सुविधा होगी लेफ्ट और राइट साइड में, जो कि बहुत ही अच्छा सुविधा। दोस्तों जब आप लोग दर्शन करने आएगा तो मनोकामना देवी मंदिर के पास में यहाँ पे फूल माला का बहुत ही अच्छा सजावट देखने को मिलेगा, खूबसूरत सजावट देखने को मिलेगा। और ये जो आप लोग टीवी जैसा देख रहे हैं बना हुआ, इसमें लाइटिंग की काफी अच्छी सुविधा होने वाली है इस बार। तो अगर आप लोग मुजफ्फरपुर से हैं तो इस बार रामदयालु नगर जो बस स्टैंड के पास पंडाल बन रहा है उसको आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही भव्य पंडाल के साथ साथ सजावट भी बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। और माता का दर्शन यहाँ पे आप लोग जरूर कीजिएगा आके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों के बीच मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।